अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और गर्मी से सबका बुरा हाल है, ये तो आप लोग जानते हैं कि कितनी शदीद पंजाब में गर्मी है। लाहौर में तो गर्मी का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, लेकिन इंसान के काम काज कहाँ रुकते हैं। तो जी, आज ऐसा है कि सैटरडे है और मुझे जाना है शॉपिंग पे, क्योंकि ईद आ गई है और अभी तक गर्मी की वजह से मैं तैयारी नहीं कर सकी थी मरियम की। और अपनी तो फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी कर ही ली थी, लेकिन बच्चों का ज़्यादा होता है, आपको पता है गर्मी के हिसाब से कपड़े चीज़ें लेने होते हैं, सब कुछ करना होता है। तो जी, बस हम लोग निकलने लगे थे और शॉपिंग के लिए। देखें जी, कहाँ जाते हैं अभी ये कुछ डिसाइड नहीं है। अली की मर्ज़ी है कि जी वो हमें कहाँ ले जाएंगे शॉपिंग के लिए। मरियम भी रेडी हो चुकी है और आप लोगों को अपने साथ रखूँगी इंशाल्लाह ताला। शॉपिंग के लिए आए हैं इम्तियाज़। ये मून मार्केट में बना है और आज मेरा फर्स्ट विज़िट है इधर। मैंने वैसे इधर से कभी शॉपिंग तो नहीं की है, लेकिन अली कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स वगैरह ने शॉपिंग की, आप भी यहीं से शॉपिंग करो मरियम की। तो चलें देखते हैं कि आज का कैसा रहता है यहाँ का सीन। और मरियम और उसके डैडी तो अंदर मेरा ख्याल है चले गए हैं, तो बस मैं भी जा रही हूँ। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक ब्रांच इसकी गुलबर्ग में भी है, वहाँ मैं गई थी, वहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा था, तो वहाँ से मैंने ली थी चीज़ें, लेकिन मैंने ग्रॉसरी की थी, लेकिन शॉपिंग आज हो। और मरियम सो गई, अली ने गोद में उठा लिया। भाई मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है कि मैं इसको गोद में उठा के शॉपिंग करूँ। वैरायटी इधर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही मरियम के लिए। ये इस तरह का ड्रेस लेना चाह रही हूँ मैं, लेकिन ये छोटे में नहीं मिल रहा मुझे। चलें देखते हैं मरियम के नसीबों में किस तरह का ड्रेस है। अभी तो मैं खैर विज़िट ही कर रही हूँ, शॉर्ट्स हैं बच्चियों के, प्यारा लग रहा है। शर्ट्स भी अलग से मिल जाएंगी, कह तो रहे हैं, देखते हैं। हाँ, ये प्यारी लग रही है वैसे। अली आए, देखें आपको क्या पसंद आ रहा है मरियम के लिए। कौन से शूज़ लेने हैं आपने? यहाँ पे ना शूज़ की इतनी वैरायटी है, मेरा दिल कर रहा है मैं सारे मरियम के लिए ले लूँ। सो ब्यूटीफुल शूज़ ये वाले, लेकिन मरियम आपके पास वाइट है, मैंने सर्विस से लिए थे, तो मैं ये वाले शूज़ नहीं ले रही। मुझे मरियम के लिए पम्प्स की ज़रूरत है। मरियम, मैं आपके पम्प्स लूँगी। ये वाले पसंद आ रहे हैं मरियम को। अच्छा चलो, अभी डैडी से पूछती हूँ कौन से आपके लिए शूज़ ले। मरियम सो गई थी और मरियम के बाल देखें आप कैसे हो रहे हैं। अच्छा मरियम आओ, मैं आगे से देखती हूँ कोई और पम्प्स। हाँ वाह, ज़बरदस्त, कितने प्यारे हैं ये वाले। अच्छा, ऐसे पम्प्स की ना मुझे कब से तलाश थी, रेड और ब्लैक की, तो ना मुझे लग रहा है कि बस अब मुझे मिल गए। और मरियम को फाइनली ये वाले शूज़ पसंद आए हैं। मेरी बेटी को कह रही है कि मामा मुझे ये वाले शूज़ लेने, ये पसंद आए हैं आपको? यही वाले पसंद है, फाइनल है? और वो मुझे ब्लैक पम्प्स पसंद आ रहे थे, लेकिन बस पता नहीं क्या बात है, इसको पाँव में ना दर्द हो रहा है वो पहन के। चलो ठीक है मरियम, ओके उतारो। शॉपिंग के बाद हम यहाँ गए थे खाना खाने के लिए। मरियम को चिकन बोटी यानी कि हॉट शॉट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये पास था तो मैंने कहा मरियम को ले जाते हैं, फ्राइज खाएगी मरियम। ये कौन सा बर्गर, पैरी पैरी आया है? पैटी। ये पैटी बर्गर है और ये हॉट शॉट्स हैं। चलो मरियम आप स्टार्ट करो। और अभी अली का खाना नहीं आया। नहीं डैडी, चलो मम्मा को भी दो, मुझे तो इतनी शदीद भूख लग रही है। शॉपिंग करते करते पता नहीं क्या हो जाता है कि भूख लगने लग जाती है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, ठंडे हैं। हाँ।
मरियम को क्या चाहिए? बर्गर दे दो। और यहाँ पर आ गया है मज़ेदार सा पेरी पेरी बर्गर। ये बहुत मज़े का होता है लेकिन ना ये नहीं खाते, मैं नहीं खाती। मज़े का होता है लेकिन मुझे फिर भी ना ये वाला बर्गर अच्छा लगता है। इसको भी खाना ना इतना आसान नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मरियम को कॉक नजर आ रही है। मरियम को और क्या चाहिए? मरियम फ्राइज खाओगी? बेटा फिर कॉक भी नहीं मिलेगी आपको, है ना? कॉक के चक्कर में शायद कुछ खा ले। वैसे चिकन खाना है, इसकी वजह से मैंने हॉट शॉट्स मंगवाए थे, बहुत मजे के होते हैं उसमें भी ना। ठीक है, अब आपको कॉक भी नहीं मिलेगी। अभी आप नहीं खाओगी ना तो आपको कॉक भी नहीं मिलेगी। आपको फाइनली शॉपिंग हो गई और शॉपिंग से मैं भी अभी वापस आई हूँ इम्तियाज से। बहुत ही लोगों का रश था तो अभी मैंने कपड़े मरियम के सामने ही निकाले। मरियम फिर बड़ा फड्डा मचाती है तो बस फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से आप लोगों को इस साथ शेयर कर देती हूँ। हाय हाय, उन्होंने ऐसे कपड़े निकाल दिए। ये देखें, इम्तियाज का टैग लगा हुआ है और ये शर्ट मिली है मरियम की 1200 रुपये की, वाइट कलर में ली है। मुझे ना ज़्यादातर लाइट कलर ही कपड़े पसंद आते हैं, बच्चों के ज़्यादा पसंद नहीं आते। और ये मरियम का शॉर्ट लिया है इसके साथ, ये भी इम्तियाज का टैग लगा हुआ है। ये 1000 रुपये का है। ये कुछ इस तरह से ड्रेस है और इस तरह का ड्रेस है मरियम का, बहुत ही प्यारा। ये मरियम का फर्स्ट डे का ड्रेस है। और ये मरियम का एक और ड्रेस है, ये देखिए, पिंक पिंक एंड ब्लैक गोल्डन, और बहुत ही प्यारा लग रही थी ये वाली शर्ट मरियम की ली है। और इसके साथ ये शॉर्ट्स है, तकरीबन दोनों कलर सेम सेम ही हो गए। क्या करूँ कि दोनों मुझे पसंद ही इस तरह इस टाइप के कपड़े आए थे तो फिर मैंने यही वाली ड्रेस ली है। और मरियम के जो स्पेशल शूज़ है ना, सो ब्यूटीफुल। और ये मरियम के इम्तियाज से ही मैंने शूज़ लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये कितने के मिले हैं? 1400 रुपये के। तो आजकल महंगाई इतनी है लेकिन ये शूज़ उसके पाँव में इतने कोई खूबसूरत लग रहे थे ना, इतने प्यारे लग रहे थे ना, तो मेरा इन पे शूज़ पे दिल ही आ गया। जब उसने पाँव में पहने तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे मरियम के ये वाले शूज़। और इसके अलावा मरियम की ये वाली मैंने पिने ली हैं इम्तियाज से, ये भी ली हैं। और सबसे प्यारी चीज़, अच्छा ये बहुत अच्छा मुझे मिल गया मरियम का, ये हर इसके सूट के साथ पीने मैच हो रही थी। बाल थोड़े बड़े हो रहे हैं तो इनकी क्या प्राइस है, ये 125 में इतनी सारी पीने मिल गई और थी भी बहुत ही खूबसूरत। और ये मरियम की थोड़ी सी चूड़ियाँ ली हैं, ये मरियम के जो फर्स्ट डे ड्रेस पहनाना है ना, मैंने ये उसके साथ ली हैं। और एक स्पेशल चीज़ ये देखें, ये भी मरियम की मुझे इतनी अच्छी लगी है ना, और ये 125 का पेयर मिला है। ये देखें, और इसके अंदर ना तीन तरह की पीने हैं मरियम की, 1, 2, 3। तो ये इस ड्रेस के साथ मैंने लिया। और ये बस फ़िलहाल मैंने इम्तियाज़ से ही शॉपिंग की है क्योंकि बाकी अभी मुझे और मैंने मरियम के ड्रेस ले चुकी थी, तो ये मैंने फ़र्स्ट और सेकंड डे के मरियम के ड्रेस लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आप लोगों को आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आप लोगों ने मुझे लाइक करके बताना है, कमेंट्स करना है और बताना है कि मरियम के ईद के ड्रेस, मरियम की शॉपिंग इम्तियाज़ से आज फर्स्ट टाइम हुई है, बहुत अच्छा रहा है, बहुत मुझे मज़ा आया शॉपिंग करने में। लेकिन बस गर्मी की वजह से मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकी हूँ, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है। इंशाल्लाह ताला मैं मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।